Hello everyone, this class is presented to you by Didymi IES. So in the previous three classes, we have discussed various independent states. We have covered Hyderabad, Rajput states. We have covered the Sikh area that they had occupied and how they enhanced their power. And also in the last class, we have covered the Great Maratha Empire. We started in that ki ye almost lagne hi laga tha ki ye jo Mughal एम्पायर ने जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम बनाया था उसको मराठा एम्पायर उसको फिल करेगी. वो मराठा एम्पायर एक ऑल इंडिया एम्पायर में एक्सपेंशन होएगा उनका. बट इन द एंड दिस डिड नॉट हैपन. और इस चीज का मेन फायदा फिर किसने उठाया? इंग्लिश ने. इसी वजह से एंड में जो मराठा वॉर्स हुए, एंग्लो मराठा वॉर्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ब्रिटिश ने फाइनली मराठा उसको पूरी तरह से हरा दिया और ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो है उसको एस्टैब्लिश किया. अब हम पढ़ेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल. तो उस टाइम पे हमने सब देख लिया कि 18th सेंचुरी में क्या क्या हुआ, मुगल एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, कैसे हुआ, ये सब हमने चैप्टर 1 में देखा. ठीक है, उस बीच में काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्टेट्स राइज हुए जो सारे हमने अभी देखे, हैदराबाद, मैसूर, अवध, बंगाल, मराठास, सब हमने इसमें देखा. ठीक है, और हमने ये भी देखा कि उस टाइम पे जो ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स के जो रूलर्स थे वो सेक्युलर थे. काफ़ी चीज़ें तो हमने देख ली. उसके अलावा क्या क्या चीज़ें थी, एजुकेशन का क्या स्टेटस था, आर्ट एंड कल्चर का क्या स्टेटस था. तो 18th सेंचुरी में बेसिकली जो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी लोगों की, वो हम अभी पढ़ेंगे. So, India of the 18th century failed to make progress economically, socially and culturally at a pace which would have saved the country from collapse. तो basically अगर overall देखा जाए, जैसे हमने ancient India में हमने पढ़ा था कि काफ़ी ज़्यादा you know उस time पे हमने काफ़ी progress करी एक कल्चरल फील्ड में. ठीक है, काफ़ी चीज़ें इकोनॉमिकली, काफ़ी मिडिवल फेज में कितना आर्ट एंड कल्चर का हमने देखा. बट अगर 18th सेंचुरी में देखा जाए तो वी फेल्ड टू प्रोग्रेस इकोनॉमिकली, सोशली एज वेल एज कल्चरली. तो अगर हम इतना हमने, क्योंकि हम फेल हुए इसी वजह से हमारी जो कंट्री थी वो कोलैप्स हुई. ब्रिटिश ने इतने टाइम तक कब्जा करके रखा हमारी कंट्री में. द इंक्रीजिंग रेवेन्यू डिमांड्स ऑफ द स्टेट, द ऑपरेशन ऑफ द ऑफिशियल्स, रेवेन्यू डिमांड्स वो बढ़ती जा रही थी स्टेट की, क्योंकि जो सारे एम्परर्स थे, रूलर्स थे, उनका लग्जरी में ध्यान था. वो यू नो बहुत ज़्यादा लग्जरी पे स्पेंड कर रहे थे और कुछ ज़्यादा रेवेन्यू आ नहीं रही थी. तो इन द एंड ऑपरेशन किसका होता था? पीजेंट्स का. द ऑपरेशन ऑफ द ऑफिशियल्स, द ग्रीड ऑफ द नोबल्स, रेवेन्यू फार्मर्स एंड जमींदार्स, द मार्चेस एंड काउंटर मार्चेस ऑफ द राइवल आर्मीज, ऊपर से इन्वेडर्स इतने ज्यादा आए. अहमद शाह अब्दाली, नादर शाह, उन्होंने क्या किया, हमारे जो काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेजरी थी, रॉयल ट्रेजरी, उनको तो उसको तो उन्होंने बिल्कुल ही खाली कर दिया था. कोहिनूर डायमंड, पीकॉक थ्रोन जो था, उन सबको नादर शाह लेके चला गया था. तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमने सफ़र किया. एंड द डेप्रिडेशंस ऑफ द न्यूमरस एडवेंचरर्स रोमिंग द लैंड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी मेड द लाइफ ऑफ द पीपल क्वाइट रेस्ट. तो इन सब वजह से उस टाइम की जो लाइफ थी पीपल की, दैट वाज नॉट रियली यू नो एक अच्छी लाइफ नहीं थी. काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे. इंडिया ऑफ दोज डेज वाज आल्सो अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट. तो इंडिया एक कंट्रास्ट की लैंड था. कैसे? क्योंकि एक जगह तो एक्सट्रीम रिचनेस थी, बहुत ज़्यादा रिचनेस थी और बहुत ज़्यादा लग्जरी थी. बट दूसरी ही टाइम पे फार्मर्स का इतना ज़्यादा ऑपरेशन हो चुका था कि दूसरी टाइम पे, दूसरी साइड पे एक्सट्रीम पॉवर्टी थी. तो 18th सेंचुरी का जो इंडिया था वो उसमें एक्सट्रीम रिचनेस भी थी और एक्सट्रीम पॉवर्टी भी थी.
Indian agriculture during the 18th century was technically backward and stagnant. तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो जैसे हमने मिडिवल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि उस टाइम के जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठाए थे एग्रीकल्चर को प्रोग्रेस करने के लिए, बट 18th सेंचुरी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई और हमारा जो एग्रीकल्चर था वो बैकवर्ड था, स्टैगनेंट था, वहीं पर खड़ा हुआ था, कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई. इवन दो इंडियन विलेजेस वर लार्जली इनसफिशिएंट एंड इम्पोर्टेड लिटिल फ्रॉम आउटसाइड एंड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर बैकवर्ड, एक्सटेंसिव ट्रेड विद इन द कंट्री एंड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एंड यूरोप वॉज कैरिड ऑन अंडर द मुगल्स. बट अगर ट्रेड की देखा जाए तो ट्रेड तो काफ़ी ज़्यादा विद इन इंडिया भी चलती थी और विद इन अदर कंट्रीज भी ट्रेड तो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट थी. इंडिया क्या क्या इम्पोर्ट करता था? पर्ल्स, रॉ सिल्क, वूल्स, डेट्स, ड्राइड फ्रूट्स एंड रॉ वाटर. तो ये काफ़ी चीज़ें हम लोग इम्पोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट तो हम काफी कम चीजें करते थे. इंडिया एक्सपोर्टेड मोर देन इट इंपोर्टेड. कॉन्स्टेंट वॉरफेयर एंड डिसरप्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन मैनी एरियाज ड्यूरिंग दी 18th सेंचुरी हार्म्ड द कंट्रीज इंटरनल ट्रेड एंड डिसरप्टेड इट्स फॉरेन ट्रेड टू सम एक्सटेंट इन सम डायरेक्शंस. तो ये बार बार जो इन्वेजन्स हुए, लॉ एंड ऑर्डर का डिसरप्शन, वॉर ऑफ सक्सेशंस, तो उस वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर था या फिर जो हमारी फॉरेन ट्रेड थी जो कि अच्छी चल रही थी, बट इन वजह से वो फॉरेन ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी. इंडियन आर्टिसंस इंजॉयड फेम सॉरी इंडियन आर्टिसंस इंजॉयड फेम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर स्किल्स. तो जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे, इंडियन जो आर्टिसंस थे, दे वर वाइडली रेनाउंड फॉर देयर स्किल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. अब हम बात करते हैं एजुकेशन का क्या स्टेटस था 18th सेंचुरी में. एजुकेशन वाज नॉट कम्प्लीटली निगलेक्टेड, पूरी तरह से निगलेक्टेड नहीं थी, बट ट्रेडिशनल थी. मतलब जो एक डेवलपमेंट्स हो रही थी, आपको पता है 18th सेंचुरी से हम मॉडर्न इंडिया या फिर मॉडर्न पीरियड को क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा यू नो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हुई थी. बट जो इंडियन एजुकेशन था वो फिर भी ट्रेडिशनल था, आउट ऑफ टच था. क्यों ट्रेडिशनल था? क्योंकि हम सिर्फ लिटरेचर, लॉ, रिलीजन, फिलोसफी, लॉजिक, इसी सब पे ध्यान दे रहे थे, वेयर अ स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, ऑल दिस वॉज नॉट इंक्लूडेड इन दी एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. जो हायर एजुकेशन के सेंटर्स थे वो पूरी कंट्री में स्प्रेड थे, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन को उस टाइम पे सपोर्ट किया जाता था. दो एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज मोस्टली कन्फाइंड टू हायर कास्ट लाइक ब्राह्मण्स, राजपूत एंड वैश्याज, मेनी पर्सन फ्रॉम द लोअर कास्ट ऑल्सो ऑफन रिसीव्ड इट. तो एंशियंट इंडिया में आपने देखा होगा कि ये जो एजुकेशन थी लोअर कास्ट को तो बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, बट 18th सेंचुरी में जो लोअर कास्ट भी थी उनको भी, दो नॉट टू दैट लेवल बट स्टिल एट सम लेवल लोअर कास्ट ऑल्सो दे रिसीव्ड एजुकेशन. द स्टैंडर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन वॉज इन एडिक्वेट बाई मॉडर्न स्टैंडर्ड्स. तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो सारी चीज़ें थी वो हमारी एजुकेशन में इन्वॉल्व नहीं थी. अ वेरी प्लेजेंट आस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन देन वॉज दैट टीचर्स इंजॉयड हाई प्रेस्टीज इन द सोसाइटी. बट जो गर्ल्स का अगर देखा जाए तो अभी भी वही स्टेटस था कि गर्ल्स को ज़्यादा एजुकेशन नहीं दी जाती थी, दो सम वुमेन ऑफ हायर क्लासेस वर एन एक्सेप्शन. कुछ हायर क्लासेस की वुमेन को ज़रूर दी जाती थी एजुकेशन, बट गर्ल्स को बिल्कुल भी एजुकेशन की तरफ ज़्यादा उनको नहीं दी जाती थी. तो एजुकेशन का क्या स्टेटस था? एजुकेशन थी बट गर्ल्स के लिए नहीं थी, कुछ हायर कास्ट की ही गर्ल्स के लिए एजुकेशन थी. और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो ठीक है वाइड स्प्रेड था पूरी कंट्री में, बट फिर भी जो हमारा जो एजुकेशन था वो बैकवर्ड था. हम अभी भी फिलोसफी, रिलीजन, वही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे जो 18th सेंचुरी के टाइम पे काफ़ी एक प्रोग्रेस हुई थी टेक्नोलॉजी में, वो सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी नहीं आई थी.
नेक्स्ट इज द सोशल एंड कल्चरल लाइफ. तो उस टाइम पे जो लोग थे दे वर डिवाइडेड बाय रिलीजन, रीजन, ट्राइब, लैंग्वेज एंड कास्ट. तो हमारी सोसाइटी में जैसे पहले था अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिविजन थी कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे. मोर ओवर द सोशल लाइफ एंड कल्चर ऑफ द अपर क्लास हु फॉर्म्ड अ टाइनी माइनॉरिटी ऑफ टोटल पॉपुलेशन वॉज इन मेनी रिस्पेक्ट्स डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द लोअर क्लास. तो सबका कल्चर जो था काफ़ी डिफरेंट था. Caste was the central feature of social life of the Hindus. Apart from the four Varnas, Hindus were divided into numerous castes, जिनको हम जातीज भी कहते हैं, which differed from in their nature from place to place. और ये जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा रिजिडली है जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था. हम कह सकते हैं कि जो कास्ट सिस्टम था उसकी एक परमानेंट प्लेस, एक फिक्स्ड प्लेस आ गई थी हमारी सोसाइटी में. द हायर कास्ट हेडेड बाय ब्राह्मिन्स मोनोपोलाइज्ड ऑल सोशल प्रेस्टीज एंड प्रिविलेजेस. तो ये जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो ब्राह्मिन्स थे उनकी ही ज़्यादा जो सोशल एक प्रेस्टीज थी, प्रिविलेजेस थे, वो सारे सिर्फ हायर कास्ट के लोगों को या फिर ब्राह्मिन्स के लिए ही थे. इंटर कास्ट मैरिजेस तो बिल्कुल ही फॉरबिडन थी. जो पेरेंट्स थे वो डिसाइड करते थे कि किस बच्चों की कैसे शादी होनी है. तो इंटर कास्ट मैरिजेस तो या फिर इंटर डाइनिंग डिफरेंट कास्ट के लोगों के बीच में इट वॉज टोटली प्रोहिबिटेड. अगर किसी लोअर कास्ट के पर्सन ने कोई फूड को टच किया है तो उसको हायर कास्ट के पर्सन उसको दोबारा टच नहीं करते थे. कास्ट ऑफन डिटरमिंड द चॉइस ऑफ प्रोफेशन. जैसे कि हमने पहले पढ़ा राजा का बेटा राजा बनेगा, तो वो सारी चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती थी. कास्ट रेगुलेशंस वर स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड बाय स्टेट काउंसिल्स एंड पंचायत्स एंड कास्ट चीफ्स दो थ्रू फाइंस प्राश्चित एंड एक्सपल्शन फ्रॉम द कास्ट. तो एक प्राश्चित का आपने वो पढ़ा होगा कि अगर कुछ ऐसी गड़बड़ होती थी काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स दी जाती थी, प्राश्चित वगैरह वो सारा कुछ करवाया जाता था. कास्ट वॉज अ मेजर डिविसिव फोर्स. तो सोसाइटी डिवाइडेड थी और मेन जो उसके पीछे रीजन था वो था ये कास्ट सिस्टम. मुस्लिम्स वर नो लेस डिवाइडेड. तो सेम तरीके से जैसे हिंदूज में ये कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मण्स को ज़्यादा प्रिविलेजेस थी, सेम चीज़ मुस्लिम्स में भी एग्जिस्ट करती थी. जो शियाज थे, सुन्नीस थे, ये दो ग्रुप्स थे मुस्लिम्स में, दे वर ऑलवेज इनके बीच में काफ़ी चलती रहती थी प्रॉब्लम्स ड्यू टू रिलीजियस डिफरेंसेज. मोर ओवर द शरीफ मुस्लिम्स कंसिस्टेड ऑफ नोबल्स, स्कॉलर्स, प्रीस्ट एंड आर्मी officers looked down upon by the Ajlaf Muslims or the lower class Muslims in a manner similar to that adopted by higher caste Hindus towards the lower caste Hindus. तो so same चीज़ जो है वो Muslims में भी exist करती थी. अब फैमिली सिस्टम तो जो था वो पेट्रियार्कल ही था. जो मेन थे उनकी, उन्हीं के थ्रू जो इनहेरिटेंस था वो चलता था. तो सोसाइटी वॉज अ पेट्रियार्कल एट दैट टाइम. वेयर एज केरला में अगर देखा जाए वहाँ पे जो फैमिली सिस्टम था दैट वॉज अ मैट्रिलिनियल. आउटसाइड केरला वुमेन वर सब्जेक्टेड टू नियरली कंप्लीट मेल कंट्रोल. जो वुमेन उस टाइम की थी उनकी ज़्यादा इंडिविजुअलिटी अपनी नहीं थी क्योंकि उनको एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं दी किए जाता था. तो उनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी वो नहीं थी. बट एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा विमेन थी, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी थी. जैसे कि अहिल्या बाई एडमिनिस्ट्रेड इंदौर विद ग्रेट सक्सेस फ्रॉम 1766 टू 1796. मैनी अदर हिंदू एंड मुस्लिम लेडीज प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन दी 18th सेंचुरी पॉलिटिक्स. तो कुछ ठीक है, विमेन की अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं थी, बट काफ़ी ज़्यादा विमेन थी जिन्होंने 18th सेंचुरी पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा रोल जो है वो प्ले किया. उसके अलावा वुमेन को, जो अपर क्लास वुमेन थी उनको, दे वर नॉट सपोज्ड टू वर्क आउटसाइड देयर होम्स, ये चीज़ अलाउड नहीं थी. और जो पर्दा सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट था, बट वो नॉर्थ में प्रिवेलेंट था, साउथ में ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं था. बॉयज़ एंड गर्ल्स उनको मिक्स दे वर नॉट परमिटेड टू मिक्स टुगेदर. उनकी जो मैरिजेस थी वो जो फैमिली के हेड्स थे वही डिसाइड करते थे. और मैन वर परमिटेड टू हैव मोर देन वन वाइफ बट एक्सेप्ट फॉर द वेल ऑफ दे नॉर्मली हैड ओनली वन. तो ये जो एक से ज़्यादा वाइफ होना ये सारा सिस्टम भी उस टाइम पर एग्जिस्ट करता था.
On the other hand, women was expected to marry only once in her lifetime. तो men को तो allowed था एक से ज्यादा wife रखना, but women को they were allowed to marry only one. और जो early marriage का concept था वो prevalent था. In fact, sometimes children were married when they were only 3 to 4 years of age. ऐसी भी चीजें उस time पे exist करती थी. 3 साल 4 साल के बच्चों की भी शादी करवा दी जाती थी. Among the upper class, the evil custom of incurring heavy expenses on marriage and of giving dowry. तो ये dowry देना, शादियों पे इतना खर्चा करना, ये सारी जो evils थी उस time पे exist करती थी. Two great social evils of 18th century India, apart from the caste system, were the system of sati and the condition of the widows. तो जो सबसे ज़्यादा बड़ी evils थी वो इस society की थी, एक तो caste system हो गया, वो 18th century में बहुत ज़्यादा rigidly उसने जो हमारी society है उसको divide कर दिया था. उसके अलावा sati system exist करता था, और जो widows की condition थी, क्योंकि widows को दोबारा marriage करना अलाउड नहीं था, इसलिए उनकी जो कंडीशन थी वो काफी ज्यादा खराब थी. सती, सबको जैसे पता होगा कि अगर किसी विमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उनको काइंड ऑफ जिंदा जला दिया जाता था, एज इज शोन इन दिस पिक्चर. तो ये जो सती सिस्टम है ये एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे, बट साउथ में ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था. एंड मोर ओवर मराठास दे वर ऑल्सो अगेंस्ट दिस सती प्रथा. और जो विडोज थे उनको क्या कि उनको क्या बोला जाता था कि दे वर एक्सपेक्टेड टू रेनाउंस ऑल द प्लेजर्स ऑफ द अर्थ. और उनको बस बोला जाता था कि अब या तो आप अपने पति की जो फैमिली है उसको सर्व करो, या फिर अपने जो ब्रदर की फैमिली है उसको सर्व करो, और इसी में आपको अपनी पूरी जो लाइफ है वो स्पेंड करनी है. सम ऑफ द राजाज ट्राई टू प्रमोट विडो री मैरिज बट फेल्ड. Culturally, India showed signs of exhaustion during the 18th century. तो कुछ ज़्यादा progress हुई नहीं, जहाँ जैसा था कुछ वही चीज़ें बस वही अटकी हुई थी. Progress कोई भी जो 18th century के India था उसमें कुछ भी ज़्यादा progress नहीं हुई. The most rapid decline occurred in those branches of art which depended on the patronage of kings, princes and nobles. तो एक culture, art and culture point of view से भी जो India था वो stagnant था, क्योंकि जैसे कि हमने मिडिवल हिस्ट्री में देखा कि जो आर्ट एंड कल्चर है वो इतना ग्रो क्यों किया, क्योंकि जो किंग्स थे वो खुद पैटर्न्स थे, वो सपोर्ट करते थे ये सारी चीज़ों को, वो खुद चाहते थे कि ये सब चीज़ें प्रोग्रेस हुए. बट जो इस टाइम के किंग्स थे, जैसे हमने पहले देखा, दे डिड नॉट केयर फॉर ऑल दीज थिंग्स, दे वर मोर इन्वॉल्व विद देमसेल्व्स विद देयर लग्जरीज. सो उस वजह से वो आर्ट जिसका जो किंग्स की पैटर्नेज के ऊपर, किंग्स की सपोर्ट के ऊपर डिपेंड था, उसका तो बिल्कुल ही ज्यादा डिक्लाइन हो चुका था, क्योंकि किंग्स का सपोर्ट ही नहीं था. बट एट द सेम टाइम न्यू स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स वर फॉर्म बॉर्न एंड अचीव्ड डिस्टिंक्शन. द पेंटिंग्स ऑफ कांगड़ा एंड राजपूत स्कूल्स रिवील्ड न्यू वाइटैलिटी एंड टेस्ट. तो दो नए स्कूल आए, कांगड़ा स्कूल एंड राजपूत स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स. इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर द इमामबरा ऑफ लखनऊ रिवील्स प्रोफिशिएंसी इन टेक्निक. On the other hand, the cities of Jaipur and its building are an example of continuous vigor. तो दो काफ़ी आर्ट जो है वो सफ़र किया इस सेंचुरी में, बट कुछ कुछ चीज़ें थी, नए पेंटिंग्स के स्कूल आए, जयपुर जैसी सिटीज़ जो हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस, वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें उस टाइम पे उन्होंने जो है एक अच्छी प्रोग्रेस करी थी. म्यूजिक कंटिन्यू टू डिवेलप एंड फ्लरिश इन दी 18th सेंचुरी. Poetry in nearly all the Indian languages lost its touch with life and became decorative, artificial, mechanical and traditional. तो जो poetry थी उसने एक बिल्कुल जो अपना touch था, original touch था, वो lose कर दिया था, और poetry एक तरह से decorative बन गई थी, मतलब artificial बन गई थी. A noteworthy feature of the literary life of the 18th century was the spread of Urdu language and the vigorous growth of Urdu poetry. But at the same time, जो Urdu language थी और Urdu poetry थी, उसने काफ़ी ज़्यादा grow किया 18th century में. It produced brilliant poets like Mir, Sauda, Nazir and in the 19th century, Mirza Ghalib.
Similarly, there was a revival of the Malayalam literature, especially under the patronage of Travancore rulers Martanda Varma and Rama Varma. One of the great poets of Kerala, Kunjan Nambiar, who wrote popular poetry in the language of daily usage, lived at this time. But Malayalam literature, Urdu ke saath saath, Malayalam literature ne bhi kafi zyada progress kari. The 18th century Kerala also witnessed the full development of Kathakali literature, drama and dance. The Padmanabhan Palace with its remarkable architecture and mural paintings was also constructed in the 18th century. अब ये जो सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको याद ही करनी पड़ेगी कि कौन सा लिटरेचर उस टाइम पे डेवलप हुआ, पोइट्स कौन कौन से थे, उन्होंने क्या क्या पोइट्री लिखी, वो मैच तो कॉलम में आ जाता है. तो ये जो सारी चीजें हैं इनमें एक्सप्लेनेशन कम है, तो ये सारी चीजें आपको बस खुद ही याद रखनी है. तयुमनवार 17 वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ सितार पोएट्री इन तमिल. तो इसमें भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ सितार पोएट्री. तो ये सारी चीजें बस अब आपको याद रखनी पड़ेंगी. इन असम लिटरेचर डिवेलप्ड अंडर द पैटर्नेज ऑफ अहोम किंग्स. Dayaram, one of the great lyricists of Gujarat, wrote during the second half of the 18th century, Heer Ranjha. The famous romantic epic in Punjab was composed at this time by Waris Shah. So, ऐसे ही question आ जाते कि Waris Shah किसने compose किया, match the following, उसको किससे करो, sorry, Heer Ranjha किसने compose किया, Waris Shah ने. तो ऐसे या फिर Dayaram, he was one of the greatest lyricists of Gujarat. तो ये सारी चीजें अब आपको याद रखनी है. फॉर सिंधी लिटरेचर द 18th सेंचुरी वॉज अ पीरियड ऑफ एनॉर्मस अचीवमेंट. तो उर्दू की इस टाइम पे प्रोग्रेस हुई, मलयालम लिटरेचर की, कथकली डांस, सिंधी लिटरेचर, इन सब चीजों की प्रोग्रेस हुई 18th सेंचुरी में. शाह अब्दुल लतीफ कंपोज्ड हिज फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिसालो. तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि शाह अब्दुल लतीफ ही कंपोज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ पोएम्स. तो उसका आंसर क्या है, रिसालो. Sachal and Sammi were the other great Sindhi poets for the century. The main weakness of Indian culture lay in the field of science. Throughout the 18th century, India remained far behind the West in science and technology. तो science and technology में हम बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए थे 18th century में. The Indians who had in earlier ages made vital contributions in the field of mathematics and natural sciences had been neglecting the science for several centuries now. जबकि मिडिवल टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा हमने जो है डेवलपमेंट्स करी थी. इनफैक्ट इंडिया वॉज लीडिंग द अदर कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. बट 18th सेंचुरी में आके जैसे कि हमने पहले देखा, एक स्टेगनेंट एग्जॉस्ट हो गई थी सारी चीज़ें. नोबडी वॉज मोर इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स, नोबडी वॉन्टेड टू प्रोग्रेस इन दीज फील्ड्स. इस वजह से जो लोग पहले इन फील्ड्स में इंटरेस्टेड थे, नाउ देवर कम्प्लीटली neglecting all this. Friendly relations between Hindus and Muslims was a very healthy feature of life in 18th century India. तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था 18th सेंचुरी के लिए कि जो हिंदूज और मुस्लिम्स थे उनके आपस में उनके ज़्यादा वो रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं थे. हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं लड़ते थे इस टाइम पे. जैसे कि हमने देखा, राजा जो अपने मिनिस्टर्स बनाते थे वो एक रिलीजन देख के नहीं बनाते थे. सेक्युलर थी जो सारी पॉलिटिक्स थी, जो एम्प्लॉयमेंट थी वो सब सेक्युलर थी. तो ये एक हेल्दी फीचर था 18th सेंचुरी का. Even though the nobles and chiefs of the time fought each other incessantly, their fights and their alliances were seldom based on distinction of religion. तो लड़ाइयाँ होती थी nobles के बीच में, but वो religion के basis पे कभी भी नहीं होती थी. In fact, there was little communal bitterness or religious intolerance in the country. तो 18th century India जो है वो religiously तो intolerant क्या कहती है, जो communal bitterness या फिर religious intolerance तो बहुत ही कम थी उस टाइम पे. वी वर कंप्लीटली सेक्युलर. हिंदू मुस्लिम्स के जो रिलेशंस थे वो काफी ज्यादा अच्छे थे इस टाइम पे.
So this was all about the social condition, the cultural condition. Social में हमने देखा कैसे सती, जो सती प्रथा थी वो prevalent थी, ठीक है. उसके अलावा हमने women की condition देखी, या फिर education कैसे बाकियों को दी जाती थी but लड़कियों को नहीं दी जाती थी. लड़कियाँ they were not allowed to work outside their homes. ये सारी चीज़ें, उनकी अपनी कोई individuality नहीं थी. तो वो सारा कुछ हमने देखा. culturally हमने देखा कि मलयालम लिटरेचर, उर्दू, कथकली डांस, इन सब चीज़ों की ग्रोथ हुई. बट एट द सेम टाइम अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड थे इस टाइम पे. तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर टू. हमने इंडिपेंडेंट स्टेट्स देखे, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा वॉर्स हुए. इन द अपकमिंग क्लासेस हम उन वॉर्स को अच्छे से स्टडी करेंगे. बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मराठा वॉर्स, ये जो सारे वॉर्स हैं, सिख वॉर्स भी काफ़ी ज़्यादा हुए थे, 2 और 3 वो भी हुए थे, वो सारे हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे. तो आई होप ऑल द बेसिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज क्लियर टू यू ऑल. सो थैंक यू वेरी मच.